हेलो स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग विद यू कंपैरिजन ऑफ पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन क्रोमेटोग्राफी टॉपिक वी स्टडी डिटेल पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बोथ दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आर वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक्स। ईच वन हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीन्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बिटवीन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट पॉइंट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी ओनली सपोर्ट मीडियम इज पेपर। मीन्स स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द पेपर स्ट्रिप सपोर्टेड। एंड इन TLC वर्सेटिलिटी इन द चॉइस ऑफ स्टेशनरी फेज टू सूट ए वराइटी ऑफ सोल्यूट्स। देन इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड इज स्लो। देन सेपरेशन मेक्स लॉन्गर टाइम, दैट इज 4 to 18 hours। स्लो प्रोसेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, बट कंपेरिजन टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द फास्ट एंड सेपरेशन कंप्लीट्स विद इन एन आवर। मीन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी 1 hour इज रिक्वायर्ड एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी 4 to 18 hours आर रिक्वायर्ड। मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी इज स्लो प्रोसेस एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द फास्ट प्रोसेस। देन थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज यूजफुल ओनली एज एनालिटिकल मेथड, इट कैनॉट बी यूज फॉर प्रिपरेटिव पर्पज। मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी ओनली यूजफुल फॉर एनालिटिकल मेथड। इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इट इज गुड फॉर एनालिटिकल एंड टू सम एक्सटेंट प्रिपरेटिव पर्पज। मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी कैनॉट यूज फॉर प्रिपरेटिव पर्पज, बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर प्रिपरेटिव पर्पज। देन फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेटेड स्पॉट्स आर ऑफन डिफ्यूज, बट इन केस ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्पॉट्स फॉर्म्ड आर कॉम्पैक्ट एंड अलाउ डिटेक्शन एट लो कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन is very low in thin layer chromatography, and in case of paper chromatography separated spots are often diffused. Then point number fifth, here paper chromatography is the simple inexpensive method because it requires only Wortham paper, therefore it is a simple inexpensive method and can be carried out straight away routinely used. But in case of thin layer chromatography, सिंपल मेथड बट प्लेट प्रिपरेशन टेक्स लॉन्गर टाइम। फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देर आर प्रिपरेशन ऑफ द प्लेट्स, बट इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी नॉट प्रिपरेशन ऑफ प्लेट, ओनली पेपर स्ट्रिप इज यूज। देन पॉइंट नंबर सिक्स, हियर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैनॉट बी यूज फॉर डिटेक्टिंग रिएजेंट एज पेपर ऑल्सो गेट्स चेयर्ड अलॉन्ग विद द सोल्यूट्स। देयरफोर we can't use in case of paper chromatography concentrated acid, but in case of thin layer chromatography we use concentrated acid as spraying reagent for detecting unknown solutes. And last point in the paper chromatography is paper cannot be heated to higher degree after spraying. Means paper is dry only at air, but in case of thin layer chromatography, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स कैन बी हीटेड टू हायर डिग्री आफ्टर स्प्रेइंग टू हेल्प द डिटेक्शन। इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी द सैम्पल विल नॉट बी रिकवर्ड, बट इन केस ऑफ TLC वी रिकवर द सैम्पल। दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ओवर ए पेपर क्रोमेटोग्राफी। दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टॉपिक यू रिमेंबर
इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी विच इज द स्टेशनरी फेज विच इज द मोबाइल फेज एंड डेफिनेशन ऑफ आर एफ वैल्यू इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मीन इज आर एफ वैल्यू इज द डिस्टेंस देन इन केस ऑफ टी एल सी दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ए टी एल सी प्लेट देन डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर यूज स्प्रेइंग रिएजेंट्स आर यूज इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो यू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच इज द स्टेशनरी फेज एंड विच इज द मोबाइल फेज मीन्स दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर सीन यूर एग्जामिनेशन देन इन लाइक दिस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द फिल्टर पेपर एक्ट एज ए फर्स्ट मल्टीपल चॉइस स्टेशनरी फेज सेकेंड वन मोबाइल फेज थर्ड वन इज द एडसॉर्बेंट एंड फोर्थ वन इज द सपोर्ट टू होल्ड स्टेशनरी फेज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सपोर्ट टू होल्ड द स्टेशनरी फेज देन आर एफ वैल्यू नेक्स्ट एम सी क्यू आर एफ वैल्यू इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू कॉन्सेंट्रेशंस रेट सेकेंड वन रेट ऑफ माइग्रेशन थर्ड इज द टू डिस्टेंसेस एंड फोर्थ इज द आइदर ए और बी देन आंसर आर एफ वैल्यू इज द रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन हियर टॉपिक इज कंप्लीटेड क्रोमेटोग्राफी इन नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर आई एम स्टार्टिंग लास्ट टॉपिक इज द वॉटर थैंक यू फॉर लिसनिंग